अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम महफूज खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल महफूज टेक्निकल ट्यूब। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस होती हैं उनकी अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो कोई इतना लंबा और लॉन्ग टॉपिक नहीं है, बल्कि एक छोटा सा टॉपिक है। और टॉपिक ये है कि रमजान मुबारक के अंदर जो है हम अपनी वीडियोज जो अपलोड करते हैं तो उसका जो सही टाइम है वो क्या होना चाहिए, जिस वक्त जो है हमारा व्यूवर्स, हमारा सब्सक्राइबर्स या कोई भी जो हमारे चैनल को देखने वाले लोग होते हैं या कोई भी जो यूट्यूब को यूज करता है तो वो उसका जो सही और परफेक्ट जो टाइमिंग वही जो है आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, रमजान मुबारक के अंदर एक तो फजर के अंदर लोग उठते हैं, सहरी के लिए लोग उठते हैं, तो उस वक्त तो लोगों के पास टाइम होता नहीं है कि वो मोबाइल इस्तेमाल करें या यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल करें, तो वो वक्त जो है बिल्कुल सुटेबल नहीं है। सहरी का जो वक्त है उस वक्त जो है वीडियो अपलोड करने का जो टाइम है वो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। उसके अलावा ये है कि फजर की नमाज के बाद 10 बजे 11 बजे सुबह या 12 बजे 1 बजे तो ये जो है वर्किंग टाइम होता है, इस वक्त भी जो है वीडियो जो है अपलोड करने का जो है सूटेबल टाइम नहीं है। जबकि जो वर्किंग ऑफ टाइम होता है वो जोहर की नमाज के बाद से शुरू होता है रमजान मुबारक के अंदर, यानी कि जब लोग जो है जॉब से रिटर्न आते हैं, अपने घरों की तरफ आते हैं, अपने घर पे आते हैं या अपने काम से फारिग हो गए, अमूमन जो है जोहर की नमाज के बाद यानी कि तकरीबन 2 बजे के बाद से जो है लोग फ्री होना शुरू हो जाते हैं। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद 2 से 3 बजे, 3 से 4 और 5 बजे का जो टाइम होता है ये जो टाइम होता है ज्यादातर रमजान मुबारक के अंदर लोगों के पास फ्री टाइम होता है। तो इस वक्त जो है यूट्यूब के ऊपर वीडियोज अपलोड करके जो है हम काफी ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर हासिल कर सकते हैं। और अगर हम मगरिब की नमाज के बाद यानी इफ्तार के बाद भी अगर हम अपनी वीडियोज को अपलोड करेंगे तो उस वक्त भी जो है लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि आम जो डेज होते हैं रमजान मुबारक के अलावा तो उसके अंदर ये है कि हम 7 से रात 9-10 बजे तक अपनी वीडियोज को अपलोड कर लेते हैं आसानी के साथ, और वहां पर जो हमें सब्सक्राइबर और व्यूवर जो है आसानी के साथ हमारे वीडियोज को देख लेते हैं। लेकिन रमजान मुबारक के अंदर बिल्कुल जो है टाइमिंग थोड़ी सी सेटिंग जो है चेंज हो जाती है, क्योंकि इफ्तार के बाद जो है लोग बिजी हो जाते हैं काफी अपने कामों के अंदर, सहरी की तैयारी के अंदर, कुछ लोग ईशा की नमाज के अंदर, तरावी वगैरह के अंदर जो लोग बिजी होते हैं, और उसके बाद जो है 10-11 बजे के बाद जो लोग सो जाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। तो इसलिए जो सुटेबल टाइम है, सही जो परफेक्ट टाइम है रमजान मुबारक में, जो मैंने ऑब्जर्व किया है और जो मैंने वीडियो डाल के जो चेक किया कि अभी किस वक्त जो व्यूज आते हैं, तो मैंने ये चेक किया कि जोहर की नमाज के बाद यानी कि 3 बजे के बाद से लेकर 5 बजे तक का जो टाइम है उस टाइम में हम अपनी वीडियो जो है रमजान मुबारक के अंदर अपलोड करनी चाहिए। तो रमजान मुबारक के अंदर जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करने का जो परफेक्ट टाइम जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने मुशाहिदा किया, वो ये है कि आप 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के दरमियान जो अपनी वीडियोज को अपलोड करें, तो उस वक्त जो आपके व्यूज है वो ज्यादा आने का चांस है, क्योंकि उस वक्त जो लोगों के पास फ्री टाइम होता है, कोई प्रे टाइम भी नहीं है बीच के अंदर, ना कोई नमाज का टाइम है, क्योंकि असर से पहले और जोहर की नमाज के बाद का जो टाइम है वो तकरीबन लोगों के पास जो फ्री टाइम होता है उस वक्त जो है हम अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है मोबाइल यूजर्स या यूट्यूब को जो यूज करने वाले लोग होते हैं, यूट्यूब को देखने वाले, वो ज्यादातर जो है इस वक्त फ्री होते हैं और यही वक्त जो है वो मोबाइल को ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। और जो भी लोग हैं आपके सब्सक्राइबर वगैरह वो भी इसी वक्त जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियोस को जो है देखते होंगे और ज्यादा से ज्यादा मोबाइल वगैरह को इस्तेमाल करते होंगे। तो सही और परफेक्ट टाइम मैंने आपको बता दिया है कि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है आप रमजान मुबारक के लिए जो स्पेशली टाइम है सिर्फ रमजान मुबारक के अंदर जो इस वक्त वीडियोज को अपलोड करें, तो आपके व्यूज और सब्सक्राइबर जो है वो ज्यादा से ज्यादा आने का चांसेस होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स करके पूछिएगा मुझसे, अगर कोई बात आपने पूछनी है तो मैं आपके कमेंट्स का जरूर जवाब दूंगा। और यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स के हवाले से अगर आपको कुछ वीडियोज देखनी है तो उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि यूट्यूब का पूरा ट्यूटोरियल जो है तकरीबन यूट्यूब के कोर्स के हवाले से काफी वीडियोज जो है मैंने बना रखी है अपने चैनल के ऊपर, पूरी एक प्लेलिस्ट जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां जाकर जो आप उन वीडियोस को देखिए और यूट्यूब के हवाले से कुछ टिप्स और ट्रिक्स अगर आपको लेनी है तो उन वीडियोस की मदद से ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।